नमस्कार दोस्तों, आज फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। राजस्थान हाईकोर्ट्स के कुछ टॉपिक्स मैंने पहले डाले थे, लेकिन काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद में आज एक बार फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके सामने आया हूँ आपके, टेंस का, जो सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक होता है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है। किस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में, राजस्थान हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है उसमें किस प्रकार के इंग्लिश क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे टेंस रिलेटेड, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मैं बाय पार्ट पार्ट बाय पार्ट आपको अपलोड करके टेंसेज के जो रूल्स और क्वेश्चंस है वो देता रहूंगा। बात करते हैं अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और आप वैसे पढ़ते आ रहे हो टेंस चार तीन प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के चार चार भाग हैं, लेकिन मैं एक 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 टेंस को डिवाइडेशन करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एडवर्ब्स भी इम्पोर्टेंट है, एडवर्ब भी इम्पोर्टेंट है और करेक्ट फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है और टेंस पहचानने के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँगा कि राजस्थान हाईकोर्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कि जो डिस्क्रिप्शन है जो उसको पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने पढ़ा होगा कि वो वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। लेकिन इंग्लिश में उनको कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य के सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, डेली, वीकली, एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, वंस ए डे, वीक, मंथ या फिर ऑन संडे हो, वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये एडवर्ब्स है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। अब बात करते हैं इसकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? जो सेंटेंस है उनको किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे एक सेंटेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं कि राम स्कूल जाता है, ये एक हिंदी का वाक्य है। सबसे पहले इसको तैयार करो, तो इसमें राम है, स्कूल जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप लिखोगे राम गोइस टू स्कूल। इस सेंटेंस को इसलिए हमने दिया है कि इसमें डबल कंडीशन है, ड्यूअल कंडीशन है। इसमें जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो सिंगुलर वाक्य जो होगा उसमें एस और ई एस दोनों प्रयोग होता है, और प्लूरल जो सेंटेंस होगा उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और यही मैटर नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर वाक्यों में डज का प्रयोग करोगे और इसमें लुक का प्रयोग करोगे। अच्छा, यहाँ आके मामला अटक जाता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के सब अफर्मेटिव वाक्यों में ही एस का प्रयोग होता है, अफर्मेटिव में भी ई एस का प्रयोग होगा। तो इसको समझना थोड़ा सा है क्या, जो वर्ब यूज कर रहे हो आप सेंटेंस में, सीधा सीधा शॉर्टकट अपनाओ इसका, ज्यादा गहरा में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट अपनाओ। जो वर्ब का अंतिम वर्ड जो है एस डबल एस ओ एक्स जेड सी एच और एस एच, ये वर्ड होता है, तब आपको ई एच यूज करना है। लेकिन सेंटेंस एक वचन होना चाहिए। कैसे? जैसे ये रहा, इसमें राम सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से ये गो आ रहा है, तो गो इज लगा। और यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं होता तो आप यहाँ पे लिखते आई और ये ईएस नहीं लिखता, आई गो टू स्कूल, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट पूरे प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल माना गया है।
पूरे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये तो हो गया एक साधारण वाक्य। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं, एक सेंटेंस नेगेटिव का करते हैं। जैसे बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, ये एक नेगेटिव वर्ड सेंटेंस है, इसमें डू आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस इसका नेगेटिव है। इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव वाक्यों में डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता, और नेगेटिव वाक्यों में अफर्मेटिव नहीं, नेगेटिव वाक्यों में डू और डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर डू आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्लूरल, और यहाँ पे यदि बर्ड होता ओनली बर्ड तो यहाँ पे अपन डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ अच्छा सिंगुलर जो प्रोनाउंस है वो भी एक बार ध्यान करके कि सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो कौन कौन से हैं। सिंगुलर में ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, और प्लूरल प्रोनाउन दे, आई, वी, यू, ये अपने प्लूरल प्रोनाउन है ताकि बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी। अब अपने क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में क्वेश्चन पूछे किस प्रकार के जाते हैं वो क्वेश्चन अपन क्रिएट करते हैं। जैसे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, उसको आप ध्यान से देखें, ये तो केवल डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आपको बताया, तो बाकी ज़्यादा देखने में आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगी, आप ध्यान से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, किस प्रकार का क्वेश्चन राजस्थान हाईकोर्ट में पूछे जा सकते हैं। दो क्वेश्चन रखूंगा मैं अलग अलग, जो कुछ करेक्ट फॉर्म के रिलेटेड है, कुछ पहचानने के रिलेटेड है। ये है जैसे कई क्वेश्चन में क्या होता है करेक्ट फॉर्म दी जाती है और कई क्वेश्चन में करेक्ट फॉर्म नहीं दी जाती है। तो ऑप्शंस जो है उनका मेरे साथ साथ आप ध्यान करते रहें। ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि मैं किस प्रकार आपके सामने रखने वाला हूं। ये हेवन कम्स हेयर एवरीडे वीकेंड, एवरीडे वीकेंड या एवरी वीकेंड, एवरीडे एवरी मंथ जो भी है कैसे लिया सकता है। यहां मैंने लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बी यहां मैंने लिख दिया प्रेजेंट सिंपल टेंस, सी या मैंने लिख दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, डी या मैंने लिख दिया पास्ट सिंपल टेंस। राजस्थान हाई कोर्ट्स के जो क्वेश्चंस है वो अमूमन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपको टेंस पूछा जाता है कि ये जो क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस मैंने ऊपर लिखा है, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, इसको आपको पहचानना होता है। तो इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है पहचानने में, दो तरीके से पहचान सकते हैं आप। पहली बात यह कि मैंने आपको ये भी कहा है कि जो जब सेंटेंस में ओनली एस और ईएस आ रहा है तो आप ये पता कर सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है वर्ब के साथ में। और सेकेंड बात, एक पहचानने का एक तरीका और है जो मैंने ऊपर लिख रखी है, आप नष्ट भी नहीं किए, इसमें से कोई भी एडवर्ब्स आ रहे हैं तो उसके जरिए आप पहचान भी सकते हैं। जैसे कि इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है हेमंत कम्स हेयर एवरी वीकेंड, एवरी वीकेंड, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी जब भी आ जाता है तो हम उसका सीधा अनुमान लगाएंगे कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ये अपने ये रहा, इस पर गोला मारो और इसमें आप चेक भी कर सकते हैं, ये रहा एवरी वीक डे मंथ, ये सब मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ पे
सीधा इसमें जाओगे और ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस नहीं है, प्रेजेंट सिंपल टेंस जी हाँ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें आंसर बी होगा। इस प्रकार आपको आंसर चेक करना है। अच्छा ठीक, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। She always read a novel. She always read a novel. इसमें भी आपको टुकड़े करके देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सी प्रेजेंट परफेक्ट, और डी पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। इसका सब्जेक्ट यदि मैं हटा देता हूं, यदि इसके सब्जेक्ट को मैं यू कर देता हूं, यू ऑलवेज रीड ए नॉवेल, कि तुम हमेशा एक उपन्यास पढ़ते हो, तो इसमें आपको अंदाजा यही मालूम है कि क्वेश्चन है कौन सा। ये मैंने कंटिन्यूअस आप समझ आओगे, डायरेक्ट इसमें मैंने जल्दी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट सिंपल टेंस जो कि इसमें से आपको देखना है क्या ऊपर की जो एडवर्ब्स है उसके अनुसार आपको चेक करना है, उसको पकड़ना है कि वर्ड कौन सा है। तो इसमें लिखा हुआ है ऑलवेज, कहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज ढूंढो, देखें ये रहा ऑलवेज, और इसमें यहाँ लिखा हुआ ऑलवेज, तो जिससे आपको वापस वही चीज उसी सेंटेंस में आप आ जाते हो कि ऑलवेज लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें आपका बी आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक्स, मिलेंगे एक बार फिर से।